एक ये भाई इन्वर्टर आया अपने पास 900 वाट ईवी माइक्रोटेक का है, सिंगल बैटरी का। कस्टमर कह रहा भाई इसमें बैटरी ऑन ऑन की बत्ती आवा, पीछे बैकअप नहीं देता। तो भाई बैकअप नहीं देता तो एक बार इन्वर्टर को खोल कर देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। और कह रहे थे भाई इसमें आवाज़ आई थी, पानी लग गया था इसमें, तो आवाज़ आई थी पानी लग गया है तो इसका मतलब मॉस्फेट वगैरह शॉर्ट होंगे। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए एक बार हम इसका कवर उतार लेते हैं और कवर उतार कर देखते हैं कौन सी साइड के मॉस्फेट इसमें गए हुए हैं। तो वीडियो में बने रहो दोस्तों। ये हमने कवर रीओपन कर लिया दोस्तों इसका, और इसमें दिख रहा दोस्तों साफ साफ ही नज़र आ रहा है। तो ये कैपेसिटर फटा हुआ है बीच में से, ये इसको चेंज करना पड़ेगा, इसी वैल्यू का कैपेसिटर लगाना पड़ेगा दोस्तों। और वही साइड के इसके मॉस्फेट गए हुए हैं, देखो बिल्कुल कर्बन आया हुआ मॉस्फेट की साइड में। और एक बार ये पुराने मॉस्फेट निकाल के, और ये रेजिस्टेंस भी जुड़ी हुई है, 100 ओम की रेजिस्टेंस लगती है दोस्तों 100, ये जो जुड़ी हुई है इनको चेंज करके मॉस्फेट डाल के एक बार ड्राइव चेक करके और फिर इसको बोर्ड का टेस्ट करेंगे। एक बार हम इसमें ब्लोअर मार लेते हैं और बोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं सिस्टम से। तो वीडियो में बने रहो जब तक दोस्तों। तो दोस्तों बोर्ड बाहर निकाल लिया है, दोनों तरफ के मॉस्फेट फटे हुए हैं दोस्तों, ये देखो इस साइड के भी फटे हुए हैं। अब इनको ख़राब मॉस्फेटों को बाहर निकाल लेंगे एक बार। और जो इसमें ड्राइव रेजिस्टेंस होती है दोस्तों, ये जो जड़ी हुई हैं ये 100 ओम की रेजिस्टेंस है जो मॉस्फेट को ड्राइव करती हैं। और दूसरी साइड भी ऐसे ही है, दूसरी साइड भी कुछ रेजिस्टेंस काली हो रखी है। इनको एक बार मीटर से चेक कर लेंगे, अगर ख़राब होगी तो चेंज कर देंगे दोस्तों। ये दोस्तों मैंने पुराने मॉस्फेट निकाल दिए हैं इसके अंदर से, देखो। और अभी इसमें नहीं, 100 ओम की रेजिस्टेंस है पर मॉस्फेट के साथ। ये तीन मॉस्फेट थे, में तीन ही रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, एक दो नीचे, ये ग्लू पड़ी है दिखाई नहीं दी यहाँ पे। तो दोस्तों इसमें एक रेजिस्टेंस जड़ा हुआ है, इसको हम चेंज कर देंगे, 100 ओम का है ये, आप मीटर से चेक करके 100 ओम की लगा सकते हो दोस्तों। इस साइड के भी तीनों रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, एक एक दो तीन, तीनों रेजिस्टेंस इसके भी जुड़े हुए हैं दोस्तों, दोनों ये दूसरे चैनल के। तो हम ये रेजिस्टेंस को चेंज करके दोस्तों और मॉस्फेट डाल के इसमें ड्राइव चेक करते हैं। और ये जिनर डायोड भी साथ में चेक करना होता है, ये ठीक है, मीटर से चेक किया मैंने कंटिन्यूटी पे लगा के। और ये एक दो तीन, ये गेट रेजिस्टेंस जुड़ी हुई है दोस्तों। इस रेजिस्टेंस की जो एक लैग है मॉस्फेट की फर्स्ट लैग पे लगी होती है, जैसे इसकी इस पे है इस, और दूसरी की दूसरे पे, तीसरी की तीसरे, वैसे भी हम इसकी पहचान कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता। और इनको एक बार निकाल के नई लगा के और मॉस्फेट डाल के ड्राइव चेक करते हैं दोस्तों। और ड्राइव हम इसकी बिना मॉस्फेट भी चेक करते हैं, रेजिस्टेंस चेंज करके बिना मॉस्फेट डाले हम इन्वर्टर को ऑन कर लेंगे कार्ड को 12 वोल्ट पे, और तो भी हम इसकी ड्राइव देख सकते हैं। तो एक बार इनको रेजिस्टेंसों को चेंज कर लेते हैं दोस्तों। ये दोस्तों रेजिस्टेंस चेंज कर लिए हमने, इसमें लगा लिए हैं सारी, और इसके 547 ये ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट थे दोस्तों, यहाँ पर लगे होते हैं दोनों तरफ, ये मैंने हटा दिए हैं दोनों साइड के, उधर का भी काट दिया है, यहाँ पे लगा होता था क्योंकि ये मैंने नए भी लगा के देख लिया तो ड्राइव भी नए लगाने पे भी नहीं आई। तो मैंने अब इसमें खाली रेजिस्टेंस लगा के और अब ड्राइव चेक करते हैं। मैंने मीटर की एक प्रोब वहाँ पे माइनस पे लगा रखी है और ये 12 वोल्ट कार्ड में मैंने दे दिया दोस्तों। अभी मैं आपको ड्राइव चेक करवाऊँगा, ये अपना मीटर रखा हुआ है, दोनों चैनलों पर सेम ड्राइव आनी चाहिए। पहले हम एक चैनल की चेक करते हैं, ये देखो दोस्तों 3.5 वोल्ट आ रही है, और दूसरे मॉस्फेट पर भी 3.5 है, इस पर भी 3.5, मतलब 3 वोल्ट 32 पॉइंट है। और ये दूसरे चैनल पर भी दोस्तों 3.3435 दिखा रहा है, और इस पर भी इतनी आ रही है दोस्तों ड्राइव। और ये आ गया अपना तीसरा मॉस्फेट, इस पर भी इतनी आ रही है। तो दोस्तों ये नीचे दोनों चैनलों की ड्राइव सेम होनी चाहिए, जैसे यहाँ पर 3 वोल्ट 33 पॉइंट आए हुए हैं, ऊपर भी इतनी आनी चाहिए, देखो दोस्तों 3.33 है। तो ये ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए ड्राइव, ऊपर नीचे हो जाएगी तो मॉस्फेट उड़ा देगा दोबारा से। तो ड्राइव हमारी ओके हो गई है, अब इसमें हमने मॉस्फेट लगाने हैं, और मॉस्फेट लगा के हम बोर्ड को फिट करके और चेक करवाएंगे आपको इन्वर्टर को ऑन करके। तो दोस्तों हमारा ये ड्राइव आ गई है, ड्राइव बना के ही कुछ मॉस्फेट डाल के ड्राइव चेक करते दोस्तों, उसमें अच्छी तरह से कई बार फॉल्ट ऐसा होता है पता नहीं चलता, लेकिन मॉस्फेट डालने से पहले ड्राइव बना लेते हो आप तो मॉस्फेट डालते ही चल जाएगा सिस्टम, ये बहुत बढ़िया तरीका है। तो मैं तो दोस्तों ऐसे रिपेयरिंग करता हूँ इनकी, मॉस्फेट डालने से पहले मैं ड्राइव चेक कर लेता हूँ, बना लेता हूँ और उसके बाद मॉस्फेट डालता हूँ। इसमें दोनों तरफ मॉस्फेट डाल के इन्वर्टर के अंदर बोर्ड को फिट करके और चेक करते हैं दोबारा। और ये दोस्तों बोर्ड मैंने इसमें फिट कर लिया है, इन्वर्टर बैटरी पर जोड़ दिया वहाँ पर, और ये आउटपुट में बल्ब लगा दिया है। अब इन्वर्टर को आगे से ऑन करके देखते हैं हम।
इन्वर्टर ऑन कर दिया, लगता है वायर ही लगी इसकी या फिर बल्ब फ्यूज हो गया दोस्तों। मेरे हिसाब से हाँ बल्ब ही फ्यूज हो चुका है दोस्तों, और दूसरा बल्ब लगा के देख लेते हैं। ये देखो दोस्तों आउटपुट है हमारे, इन्वर्टर ने बढ़िया तरीके से आउटपुट दे दिया। अब ये मैन चार्जिंग लगा के देख लेते हैं एक बार, इसको हटा देते हैं, वीडियो में साफ नहीं दिख रहा दोस्तों। ये देखो हमारी चार्जिंग भी आ गई है, इन्वर्टर हमारा ओके हो गया दोस्तों। वीडियो कैसी लगी दोस्तों लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना, अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।